ग्वालियर में सब जूनियर बॉक्सिंग की नेशनल प्लेयर पर बीच सड़क पर फायरिंग कर दो युवकों ने दहशत फैला दी। एक्टिवा पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने नाबालिग बॉक्सिंग प्लेयर और उसके दोस्त पर झांसी रोड थाना क्षेत्र के अचलेश्वर मंदिर के पास में फायर कर दी। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। प्लेयर और उसका दोस्त दोनों ही वहां से निकलकर भागे। यह दोनों ही नाबालिग हैं और प्लेयर हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं। प्लेयर बॉक्सिंग की जूनियर ग्रुप की राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आपको बता दें कि प्लेयर के मुताबिक उसके घर के नजदीक ही हमलावर युवकों में से एक युवक रहता है। इससे पहले भी हमलावर युवक ने प्लेयर से दोस्ती की पेशकश की थी, लेकिन प्लेयर द्वारा इनकार किए जाने के बाद नाराज था और वह उसे सबक सिखाने की मन में ठाने हुए था। शुक्रवार को जब प्लेयर अपने सहपाठी के साथ तरुण पुष्कर से घर की ओर जा रही थी, तभी उसे बदमाशों ने अचलेश्वर मार्ग पर रोककर दोनों से पूछताछ करने के बाद एक युवक ने स्कूटर की डिक्की से देसी तमंचा निकाला और उन पर फायर कर दिया। इसके बाद एक्टिवा सवार दोनों हमलावर भाग निकले। प्लेयर पर गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने प्लेयर के घर वालों को सूचना देकर मौके पर बुलवा लिया। फिलहाल पुलिस ने प्लेयर की शिकायत पर हमलावर युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी चेक कर रही है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे विवेचना अधिकारी मुराली लाल का कहना है कि अभी जांच प्रारंभिक स्थिति में है। बॉक्सिंग प्लेयर और उसके दोस्त से पूछताछ करने के बाद इस मामले की परतें खुल सकेंगी। प्लेयर और उसका दोस्त दोनों ही नाबालिग बताए गए हैं। फिलहाल हमलावरों की तलाश की जा रही है। क्या हुआ, क्या था, क्या शुरू से हुआ? हम मैच खेल के हम घर जा रहे थे स्कूटी से, तो रास्ते में दो लड़के मिले, इसे जानते थे लड़की को, हमसे पूछते हैं आप दोनों कौन हो, तो हम कहते हैं हम फ्रेंड हैं और बॉक्सिंग करते हैं, इसलिए हम साथ में आते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो कहते हैं रोको, अपने दोस्त से कहता है रोको गन निकाल। उसके बाद उसने कट्टा निकाला और हम जा रहे थे आगे, तो हमारे आगे जाके उसने कट्टा फायर कर दिया। किस तरह पुष्कर के पास में कोई बच्ची है, डर गई है, तो फायर हो गया था हवाई फायर, तो हम तुरंत आए तो या बिटिया से और उनके साथ में थे जो उनसे बात करी, कहाँ तो बोले अचलेश्वर के पास में, इधर को इधर से जा रहे हम तरण पुष्कर से, तो अचलेश्वर के पास में कोई फायर किया है।